सेनेट में इंतखाबी शेड्यूल मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। ऐवान बाला में 13 अरकान मौजूद थे, जिनमें से मुस्लिम लीग नून के सेनेटर ने करारदाद की मुखालफत की, जबकि बाकी 12 अरकान ने करारदाद की हिमायत करते हुए इसे मंजूर कर लिया। मुस्लिम लीग लीग नून के अफनान अल्लाह ने इस करारदाद की मुखालफत की, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, फाटा अराकीन और पीपल्स पार्टी के बहरमंद तंगी ने 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात मुअत्तल करने की करारदाद की हिमायत की है। करारदाद खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि मुल्क के बाज़ इलाकों में शदीद सर्दी का मौसम है, सियासी जमातों ने अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया। उनका कहना था कि बाज़ सियासी जमातों के रहनुमाओं को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रैलियों पर हमलों का सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। दिलावर खान ने कहा कि JUIFA के अरकान पर भी हमला हुआ, कि पी और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए हैं। इलेक्शन रैली के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों के थ्रेट अलर्ट हैं। सेनेट कहता है कि मसाइल हल किए बगैर इलेक्शन का इनेकाद न किया जाए, 8 फरवरी के इलेक्शन शेड्यूल को मुलतवी किया जाए, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी कराने पर अमल करे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान अल्लाह ने करारदाद की मुखालफत करते हुए कहा कि मुल्क में सिक्योरिटी के हालत ठीक नहीं, लेकिन 2008 और 2013 में हालात इससे ज्यादा खराब थे। सिक्योरिटी का बहाना करके इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शन नहीं होंगे। 8 फरवरी को इंतखाबात की तारीख पत्थर पर लकीर है। बाद अज़ां सेनेट ने सेनेटर दिलोर खान की जानिब से पेश की गई करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया।